एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी उठा हूँ और मैं भी इसलिए उठ गया क्योंकि इसने इतना शोर मचा दिया रोनी ने कमरे में। ये अपनी शूटिंग कर रहा था, अपना यहाँ पर लगा रखा था इसने, लगा हुआ था पूरा, अपना रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो। इस चक्कर में मेरे कान पे बोली जा रहा था, मेरी नींद खुल गई। तो अब जब उठ गया तो बस अब थोड़ा सा तैयार वगैरह होके थोड़ा काम वगैरह करके फिर आज और क्या क्या होगा वो सब रिकॉर्ड भी करना है ना। तो चलो फिलहाल भी पहले उठ जाते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है फिलहाल अभी। आज हम ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं सैंडविचेस और जूस। फिर इसके बाद अभी हमने थोड़ा निकलना है बाहर की साइड को और वहाँ बड़ा मजा आने वाला है। मैं तुम्हें पहले बताकर वो नहीं करूंगा तुम्हारा क्या कहते हैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा क्या कहते हैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं तुम्हें। वहाँ डायरेक्ट ही दिखाऊंगा तुम्हें कैसे बना। चलो पहले आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद। वाली नहीं और अंदर वाली कहाँ जा रही, ऐड आई थी और ऐड चलेगी, काम ही कर रहे हैं बट अभी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि रोनी को एक फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है बट अपलोडिंग में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं फाइल अपलोड करने रोनी के लिए। जय बजरंग बली। अभी हम एक टी गार्डन के पास आ गए, यहाँ पर स्पीड बहुत तेज आ रही है और एक ना बड़ा प्यारा सा व्यू है पता भी क्या। ये देखो यहाँ पर ना ये सारे के सारे वो कंडी लेकर ये टी गार्डन से वो कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा गाँव है इनको देख के तो एक ही लाइन आ रही है, हुसन पहाड़ों का। कितना मस्त लग रहा है यार, मजेदार मजेदार मजेदार। रूपाली ने कहा कि हम अंदर जा सकते हैं तो हम आगे देखने अंदर। सुंदर तो बहुत लग रहा है यहाँ पर। दोनों पे टीका गया रोनी की वीडियो भी अपलोड होगी। हमने टी गार्डन भी घूम लिया, अब हम घर जा रहे हैं, थोड़ा सा नहा धोकर फिर आएंगे क्योंकि अभी तो वीडियो अपलोड करनी जरूरी थी। अभी हम एल्बम देखने जाने वाले हैं, जाने वाले नहीं यहीं पर एल्बम देखेंगे। बल बता किसकी एल्बम देखेंगे, सासू माँ आ रहे हैं हमारे, वो दिखाएंगे अपनी क्या शादी की एल्बम। तो अभी हम वो देखेंगे। इसके अंदर एल्बम एल्बम इसके अंदर है आ गई एल्बम। सर खोल दिखा। फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया, ये है स्वीट मेमोरीज। कब की है ये? 1994। रूपाली तो पैदा भी नहीं हुई थी, कैसे हो सकती है मुझे पता। ये कौन है यहाँ पे हो? मैच तो नहीं कर रही शक्ल, क्यों करेगी? क्यों? अरे मम्मी दुल्हन चेंज हो गई। मैं नहीं, चेंज तो नहीं हुई पर मैच नहीं कर रही। अच्छा और पापा मैच हो रहे? नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं होंगे देखो, बिल्कुल ही नहीं भाई, 0%। ये देख नींद तो पहले ले ले। वो पहले ऐसे होता था ना, हम भी ऐसे वाले करेंगे फोटोग्राफर। ये देख वो भिक्षा। अच्छा ये दादू देख रहे हैं, दादू भाई अंकल तो बिल्कुल विचार में नहीं आ रहे। अभी फिलहाल हमने अपनी सासू माँ की वो तो कर दिया है, क्या कर दिया है, एल्बम तो देख लिया शादी की। अब वो एंगेजमेंट की एल्बम लेने गई है, अब वो दूसरी एल्बम लेकर आ रही है। अब रूपाली का अब अपनी लेकर आ रही है। अब रूपाली का टेस्ट है इसको ये बताना है कि उसको पता भी है लोग की नहीं पता। वो 1994 की थी और ये है 2023 की, कितने सालों का फर्क है। तब रूपाली थी भी नहीं और आज रूपाली की है पहली फोटो। वाली मान लेना, मान फोटो तेरी भी ठीक आई है। अच्छी आई है फैमिली पिक। इसमें तो बताइए रूपाली, तू बताइए इसमें से कौन कौन तेरे को पता? ये सोम्या की मम्मी। हाँ ठीक है, ये सोम्या, ठीक है, ये सोम्या का भाई, ठीक है, ये नानी, ठीक है, ये बुआ, ठीक है, ये सोम्या की बहन, ठीक है, ये जो मनसा देवी के पास रहती थी सिस्टर, वो मेरे बड़े मामा की लड़की, ये है मैं हूँ, ठीक है, मम्मी, ये मासी का लड़का, यस, ये मामा का लड़का जो घर के पास ही गया है, छोटे मामा का लड़का है, ये फूफा, हाँ, ये मामा, हाँ, बड़े मामा, ये अंकल, ये रोनी, ये अनु भैया, ये नहीं पता कौन, ये अच्छा वो ही जो उसकी बहन, इसकी बहन सही है वाली, तो पास होगी सारे तो तूने बता दिए, तो यही जिससे अब बाकी तो हाँ यही मतलब फैमिली में तो यही है।
यार तेरे को पता मेरा ध्यान नहीं रहता है, कौन सा बताऊ सारे यहाँ से। ये तो मिक्कू है, यहाँ से शुरू हो जाए। ये चाचा है तेरे, गोल्डी चाचा सर है ना, ये हाँ, और ये मिक्कू ठीक है, और ये तेरे चाची हैं। अब ये छोटी लड़की तो पता नहीं, इन्हीं की लड़की है, इन्हीं की लड़की है गोदी में तो, पर वैसे मुझे नहीं पता। और जो ये पीछे है ये भी नहीं पता, चाचा जी की लड़की, ये मंडी के हैं ठीक है। ये दादी ठीक है, सोलन वाली दादी है शायद तेरे, मतलब चलो दादी है ठीक है। ये तेरी दादी, ये अम्मा तो दादी हुए, तो ये पीछे वाले मैंने देखे पर पता नहीं मुझे। चाची चाची देखा गैस के अंदर, ये अंकल ठीक है, ये तेरे मामी है या चाची है? अभी बोल रहा सेम चक्कर आ रही थी एक बुआ। यार बुआ अब मैं वही कह रहा हूँ, मुझे करेक्टर्स के नेम में थोड़ा वो है, बट मैंने सबको देखा हुआ है। अब हाँ ये चाची है ठीक है, ये तो मुझे पता था मामी है, ये भी दादी, हाँ ये भी पता था दादी है। ये आगे फिर आंटी, और ये वो है आशिवानी, बस सारे पता है मुझे भी करेक्टर्स। एक दो ऊपर नीचे थे जो नहीं पता थे, बट ऑलमोस्ट बाकी सारे पता थे। वैसे दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है? दोनों ही फिर भी वो तो चलो अच्छी बात है, लिहाज रख लिया उन्होंने। नहीं तो दोनों अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं हाँ मार दी ठीक है, बस फोन की तरह आ रही है और सामान देके चले जा रही है। अभी आए हैं पकौड़े, प्याज के पकौड़े, ये रोनी की डिमांड थी, रोनी को चाहिए थे प्याज के पकौड़े। रोनी करता क्या, बस खाता ही खाता है और सोता है, सोया हुआ था उठ गया, फिर कह रहा है खाऊंगा फिर सो जाऊंगा, इसका यही काम है। बट हम तो फिर भी काम करें, बट मजा आ रहा है भाई। कैसे खिलाइए डिप करके मुझे, ऐश कर। ऑसम, सुबह बारिश हो रही थी इसलिए पकौड़े बनाए थे, पर फिलहाल इधर से बादल चले गए, धूप आ गई। अभी हम सारे घूमने जा रहे थे, पर उससे पहले हमने सोचा कि हम रील्स बना लेते हैं, और एक हमने देखो ये कहाँ भाग रही है, देखो साड़ी पहन कर आई हुई है, जच दी वाली शक्ल तो दिखा दे अपनी, माना नहीं लग रही अच्छी पर शक्ल तो दिखा दे, लोअर अंदर लोअर पहना है तो यही हरकत है वाली तेरी। रूपाली की एक्टिंग देख लेना, एक्टिंग चल रही है। बस हो गया, अब इसी में से निकले, इसी में से ये टेक बता दे रोनी, कौन सा टेक था इन्हें पता नहीं लगाएगा। टेक ये तो 171वां चौथा था, और सिर्फ हंसकर जाना था 171वां टेक। चलो पास 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 गाइस पास, चलो अब बाकी नहीं करते, मैं ऑफिस वाला बंदा बना हुआ हूँ, पर ठीक है तू बंदा बन जा पहले, तू बंदा बन जा पहले, इसी रूम में कर दो यार। अभी आज सबने ऊपर ही खाया खाना, सारे एक साथ ही बैठे हुए थे ऊपर, काफी एंजॉय करा, सब मजा करा, काफी सारी इधर उधर की बातें भी करी। कल शायद चामुंडा माता मंदिर जाए। फिर से आ गई एक बार ऐड की तरह रूम में पानी लेकर, मसूरी लेकर। तो आज खाना बड़ा टेस्टी बनाया हुआ था वैसे रूपाली, एक नंबर था, एक नंबर। सचिन है क्या, सचिन में लप्पू सा सचिन है ये। एक ऐप वो चल रही है ना रील का, जल्दी से कुछ पता ही नहीं, सीमा हैदर का बंदा है सचिन। अच्छा सीमा हैदर का बंदा पूछा सचिन है, इसको कुछ नहीं पता लग रहा समाज में क्या हो रहा है भाई, टाइम नहीं मिल रहा भाई, वीडियो बना बना थक गए टॉपिक के ऊपर, इसके पास समय नहीं है, टाइम ही नहीं लगा यार। लप्पू सा सचिन है भाई, वो पबजी से पाकिस्तान से ले आया, हाँ ये मेरे को पता है, तो वही तो सचिन था, पर ये नहीं पता ना कि वो सचिन था, बस इतना पता था कि वो सचिन ने पबजी में लड़की पटा रही, हमें टिंडर के सब्सक्रिप्शन ले लेके मर गए। सही बात है रोनी, तेरा तो भाई क्या ही होगा ना, तूने टिंडर के 3 बार से सब्सक्रिप्शन लिया, आज भी एक लड़की सेट नहीं कर पाया, बंदे वहां से लेकर आ रहे हैं, कहां से पबजी में लेकर आ रहे हैं। कोई हिमाचल से ले गया, मजाक कर रहा हूँ, रोनी ने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, मेरे भाई को बदनाम मत कर देना, खुद ही कर रहा है। मजाक कर रहा हूँ। तो यार बस कल शायद से मंदिर जाएंगे, चामुंडा माता मंदिर जाएंगे, वहाँ की भी एक स्टोरी है, मुझे पता नहीं है, बट मैं कल पता करके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? बता नहीं सकते, मुंह झूठा है थोड़ा। तो वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, कोई बात नहीं, बट आज कल हो गया, मैं ध्यान करते हैं, एंड सेकंड डे था ये, और काफी मजे करे हमने, बहुत मजेदार था। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।